हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आपको होप कि आपको जो कल दिवाली वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो 6 तारीख को विसर्जन होने वाला है यहाँ का, जो आपको लक्ष्मी पूजा का मैं पंडाल दिखाया था उसमें जो मूर्ति रखी उसका 6 तारीख को विसर्जन है। और जो दिवाली का मेरे घर पे पूजा हुआ था उसको आज 5 तारीख को विसर्जन है। तो ये जो कुदारी लेके हम जा रहे हैं इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे छठ पूजा का घाट भी बनाना है। दिवाली के एक दिन बाद घाट बनाना चालू हो जाता है। तो हम लोग घाट बनाने हैं और दिक्कत हो चुका है, घाट बहुत सारा बन चुका है। देखते हैं कहीं खाली जगह है तो बनाया जाएगा उसी में कैसे भी करके। देख सकते हैं यहाँ पे लाला को जिंदा ही दफना दिया जा रहा है। कमेंट में RIP लिख देना सब इसके लिए। रेस्ट इन पीस लाला। लाला बहुत याद आएगी तुम्हारी। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। हम जरूर रुस चुके हैं, पता नहीं क्यों हमसे सनी रुस चुका है। हाँ तो भैया जी, उस टाइम के घर पे आने के बाद हम थोड़ा सा सो गए थे। सोने के बाद जस्ट मैं अभी उठा हूँ और अब मुझे जाना है नीतू दी को घर पे छोड़ने, मतलब कि नरबीपुर जाना है। चांदी के बगल में गांव है जिसका नाम है नरबीपुर। तो चलो चलते हैं पहले वहां पे। हाँ तो अभी शाम का समय हो रहा है और चलो चलते हैं पहले वहां पे, देखते हैं क्या क्या चल रहा है अभी। वैसे आज दिवाली के एक दिन बाद 10 तारीख है, 5 और 6 तारीख को है भसान और 4 तारीख को दिवाली थी। तो चलो वहां पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है वहां पे अभी। वैसे तो सब कोई डीजे बज रहा है, नाच रहा होगा ऐसे तो। तो चलो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वहाँ पे मैं आपको दिखाई दिया था बट अभी रात के 2 बज रहे, काम कर रहा था पता ही नहीं चला कि कब यार 2 बज गए। तो चलो अब सो जाते हैं, आके अगर अब 2 बज गए तो जाके कोई फायदा नहीं है, सुबह उठना भी है 8-9 बजे तक। 8 बजे डेली ब्लॉग जो आता टाइम पे आ जाएगा। अभी पब्लिश कर दूंगा मैं, पब्लिश बोल रहा हूँ सॉरी यार, क्या क्या बोलते रह रहा हूँ, शेड्यूल कर दूंगा ब्लॉग को, तो ब्लॉग टाइम पे आ जाएगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ब्लॉग देखने में मज़ा आया तो लाइक जरूर कर देना, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या क्या गलती बोलूँगा यार। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।